अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग तो है लेकिन उसके साथ साथ रैंडमली मुझे ये जो वीडियो है बनाना पड़ा। गुस्सा तो इतना है बता नहीं सकती हूँ मैं। ये जो चोचले करते हैं ना, ये जो झूठ बोलते हैं आगे कि आपकी वीडियो वायरल नहीं हो रही है, आपका ये नहीं हो रहा, आपका व्यूज़ नहीं आ रहा है। तो आजकल क्या है मालूम है, लोग बहुत सारे तरीके फ्रॉड के, जो उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी लोग आएंगे हमारा हैशटैग करो, हमारा ये करो, हमारा वो करो, ऐसे के वीडियो वायरल हो जाएगी। लोगों को उल्लू बनाना बंद करो। और जो अपनी दुकानें खोल रहे हैं ना, हमको इतने पैसे सेंड करो, हमको ऐसे करो, हमको ये करो, तो आपकी वीडियो वायरल कर देंगे, आपको वो कर देंगे। तो प्लीज़ इन लोगों के चक्कर में पड़ना भी मत। जब वीडियो को वायरल होना होगा ना तो वो हो जाएगी। इन लोग खुद ऐसे पढ़ के बोलते हैं। और जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं ना पागल की तरह, हम यहाँ पर अपने ब्लॉग बना के यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, तो हम लोग की क्यों नहीं वायरल हो रही है? हमने भी तो इतनी इतनी सारी वीडियो बनाया ना, जब होना होगी ना तब हो जाएगी। इसका इतना टेंशन लेना भी नहीं है। पहली बात तो ये जस्ट ऐसी एक साइड बाय साइड, और कोई आके बोलता है कि हमारा मोनेटाइज रुक गया है, ऐसे चल रहे हैं क्या उनके घर? इतना आके यहाँ पर बहुत बढ़ाई मारते हैं, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, बहुत ज़्यादा ही बढ़ाई मार रहे हैं अभी। और आके फिर बोलेंगे कि हमको ये करो, हमको टैग कर दो, हमको ये कर दो, तो ऐसा होने वाला है क्या? कुछ नहीं होने वाला है। जो जैसा वीडियो बनाता है ना वैसी वीडियो बनाओ, कोई ज़रूरत नहीं इसमें ये चीज़ करने की, इसमें ये चेंजिंग करने की, कुछ नहीं होने वाला है उससे। और जिसको जब वायरल होना है, जिसको जो कुछ जब होना है ना, वो तभी होगा। तुम कितने ही थंबनेल लगा लो, कितने ही हैशटैग लगा दो, या कितने ही कुछ भी उसको सजा लो, कुछ भी लगा के सजा लो, तो ज़रूरत नहीं है इनकी इतनी बक सुनने की, बकेती सुनने की इनकी। अपना काम करो, जैसी तुम वीडियो बना रहे वैसी बनाओ, भले से तुम वीडियो बना के ऐसे डाल दो, जिसको पसंद आएगी करेगा, जिसको नहीं पसंद आएगी आप कितना भी सजा लो। जिसको नहीं आपको सपोर्ट करना है, जिसको आपको सब्सक्राइब नहीं करना है, तो वो नहीं करेगा, याद रखना ये बात। क्योंकि ना अभी बहुत इन लोग के नाटक चालू हो गए, बहुत लोग यहाँ पर तमाशे कर रहे हैं यही चीज़ों के, आप ये कर दो तो आपका वायरल हो जाएगा। एक भी जितने भी ये सब यूट्यूबर, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो आ रहे हैं ये सब बोलने के लिए, तो उन लोग आपकी, हमारी खुद की और आपकी भी, जो जिसके कम सब्सक्राइबर्स हैं, जिसके कम व्यूज़ हैं, तो वो उन लोग को देखते भी नहीं है कि क्या बना रहे, क्या कर रहे, कैसे बन रहे हैं। उन लोग को उससे कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ ऐसे ऐसे बकेती कर रहे हैं, ऐसे ऐसे सिर्फ बोल बचन दे रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला उनके उससे। आप वीडियो बनाते जाओ, बस जितना हो सके आप बनाते जाओ, जिसको जब वायरल होना है होते रहेगा। आगे बस हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमने ऐसा कर लिया, हमने वैसा कर लिया, हमको टैग कर दो, हमको हैशटैग कर दो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। नहीं तो खुद ही हम डिमोटिवेट होते रहेंगे उन लोगों की वजह से। अरे हमने ये भूल दिए क्या, अगर हमने ये भूल गए, कुछ नहीं हो रहा है। मैंने सब लगा कर देख ली, सब करके देख ली, कुछ भी नहीं होने वाला। जितना मेरा, मैं जहाँ तक बता रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है, देख देख के सब वीडियोस को देख के, कौन सी वीडियो कैसी है, सबके हैशटैग देख के, कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ आपको एक काम करना है, वीडियोस बनाते जाना और यहाँ पर ठूसते जाना है। तो आप डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से, देखते रहेंगे कुछ ना कुछ तो होगा ही। हाँ, बस इतना ध्यान रखना वो वीडियो हमको पसंद आ रही है कि नहीं। वीडियो को थोड़ा सा अंदर से आपको ऐसा लगे कि हाँ ये पार्ट हटा देना, ये पार्ट हटा देना, वही उसी हिसाब से आपको वीडियो बनाना है। जब तक के लिए और इन बिटवीन मेरे ब्लॉग के साथ मैं एक एक वीडियो ऐसे बनाते जाऊंगी जो कि तमाशे इनके चालू है ना उसके लिए। और अभी आपको अगर कोई बोलता है कि हमको इतने पैसे दो, आपको फॉलो कर लेंगे, आपको सब्सक्राइब करवा देंगे, तो ये सब कर तो देंगे, बाद में फिर इसके ऊपर बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। तो ये प्रॉब्लम पहले ही आप क्रिएट कर रहे हो, ये क्रिएट करने से खुद ही बच जाओ, खुद को बचा लो और इनके चक्करों में ना पड़ो। जो गांव वाले हैं तो गांव वाले अपने तरीके से वीडियो बना, कितना अच्छा आप लोग का बैकग्राउंड होता है, वो बैकग्राउंड देखते हुए वीडियो बनाओ, उसकी वजह से भी आप लोग कितने वायरल हो जाएंगे। अभी हम लोग जहाँ रहते हैं ना, तो हम लोग का कैसे ज़्यादा हम लोग को बाहर जाने मिलता नहीं है। अब मेरा कैसे ट्यूशन वगैरह का है, तो फिर मुझे ट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बनाती हूँ मैं, या तो घर में ही रहती हूँ। अभी ट्यूशन के हिसाब से आपको क्या लगता है, मैं दिन भर तो बाहर जाऊँगी नहीं, किसी और के लिए तो हम लोग बाहर जाएंगे नहीं, ऐसे नाश्ते तो नहीं फिरेंगे। अब जिनके पास ऑलरेडी है तो वो खर्चा कर रहा है और अच्छा दिखा रहा है, और अच्छे लोग उनको क्यों कर रहे हैं कि भाई ये और अच्छा अच्छा अपने को दिखा रहा है, और उनके पास है तो वो खर्चा कर रहे हैं। अब ऑलरेडी हमारे पास नहीं है तो हम लोग फालतू का पैसा उसमें थोड़ी लगाएंगे। जब हमारे पास कुछ आना शुरू होगा तभी तो हम लोग उसको आगे स्पेंड करेंगे ना।
तो यहाँ पर जो न्यू यूट्यूबर है, अपने पैसे वेस्ट मत करो। सबसे पहली बात, फालतू का पैसा लगाओ मत। थोड़ी थोड़ी चीज़ें भले से तुम थोड़ा सा करो, एक हफ्ते में एक वीडियो बनाओ, लेकिन थोड़ी सी अच्छी बनाओ, वही वहाँ पर अपलोड करो। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो बोलती हूँ, और यहाँ दिखावे से अच्छा है ना, जो रियल है ना, रियलिटी पे फोकस करो। दिखावे से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा दिखावा जो कर रहे हो वो बचो उससे, कि हमारा ये ऐसा है। बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि ये दिखावा स्क्रिप्टेड है, ये ऐसा बनाया है, क्या इसके बाद ये करना है, ये पॉइंट के बाद ये करना है। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियो में ये नहीं करते कि दिखावा नहीं करते, हमने ऐसा किया। हम जो खा रहे जैसे खा रहे अल्हम्दुलिल्लाह वही दिखा रहे, जो कर रहे वही दिखा रहे, ज़्यादा बकवास नहीं कर रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना।